नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है। आप देख रहे हैं टेक्निकल गिरीश इंडियन ब्लॉग्स। आज मैं आपको अपना खेत खलियान के बारे में दिखाऊंगा कि अभी कौन कौन से फसल लगे हुए हैं, कौन कौन से फसल लगना बाकी है, सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, सारा डिटेल मिलेगा। आज मैं आपको गांव में जो मेरा खेत है उनको मैं दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो मैं भी अपना खेत देख रहा हूँ कि क्या क्या अभी फसल लगी हुई है और क्या क्या चीज़ें अभी लगना बाकी है, तो सारा मैं देख रहा हूँ। आप भी बने रहिए हमारे साथ में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, अभी ये पानी का पाइप है, इसमें जो है पानी जा रही है खेतों में। और ये जो है देखिए, अभी गेहूं इसमें लगा हुआ है और ये जो है इसमें पानी जा रहा है इसमें ये, और ये जो है इसमें भी गेहूं देखिए लगा हुआ है। एक्चुअली ये जो है गेहूं है, ये पूरे में यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों बहुत सारा पेड़ पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे मैं कभी आया करता था बचपन में यहाँ पे, अब ये सब पूरी जो है पूरा जंगल बन गया है अभी ये। यहाँ पे जब मैं आता था तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं था इस तरीके का। यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी आया था, अब बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ तो देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, बिल्कुल जो है लंबे लंबे हो गए हैं। और पहले जो है बिल्कुल साफ था ये जो है, इसमें कोई पेड़ नहीं लगा हुआ था। अब बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो ये देखिए जो है कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जाके। ये देखिए जो है ये जो है ये वाला खेत जो है मेरा खेत है, इसमें गेहूं अभी लगा हुआ है, अभी छोटा छोटा निकाल पौधा आया हुआ है। और ये जो पेड़ है, ये जो देख रहे हैं, ये पूरा शीशम का पेड़ है ये जो आप देख रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इधर का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा है ये। ये जो है देखिए, ये देखिए दोस्तों गेहूं का जो पौधा लगा हुआ है, गेहूं का फसल लगा हुआ है, ये देखिए बहुत छोटा छोटा अभी है, बिल्कुल छोटा छोटा अभी निकल रहा है, ये मिट्टी से ये बाहर आ रही है और बिल्कुल अभी छोटा छोटा है, अभी आ रहा है इसमें। और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें भी और इसमें लगा हुआ है और कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए जो है अभी बिल्कुल छोटा छोटा ये पौधा हुआ है बिल्कुल जो है। ये देखिए ये गेहूं का जो है ये फसल लगा हुआ है इसमें। और ये देखिए बिल्कुल अभी ये जंगल हो गया है। और ये बिल्कुल पहले मैं बचपन में आता था तो इधर मैं बहुत खेलता था इधर, लेकिन अब आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं अभी, ये देख सकते हैं। ये पता नहीं ये किस चीज़ का जो ये पौधा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। अगर आपको आ रही हो तो ज़रूर ये बताइएगा ये मुझे कमेंट करके। और ये देखिए ये सब सारा जो है ये पौधा है। एक्चुअली ये वाला जो पेड़ है दोस्तों, सामने जो दिख रही है ये वाली पेड़, इसमें मैं बहुत ऊपर जो है चढ़ के बचपन में बहुत खेलता था मैं इस पेड़ के ऊपर में। इसको बोलते हैं डूमर का पेड़ बोलते हैं, इस पे मैं बहुत खेलता था बचपन में। आज देखिए इधर जो है बहुत जंगल हो गया है, इधर सब बच्चे मिल के हम लोग जो है इधर बहुत खेलते थे। चलिए आगे दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ इसमें लगा हुआ है इधर। ये जो है बहुत दिनों से है, जब से मेरा होश आया दोस्तों, ये वाला पेड़ जो है ये वाला है और अभी तक ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, बिल्कुल जो है हरा भरा। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल है ये, और ये बहुत ही अच्छा है, इस जगह बहुत हरा भरा हो गया है, मुझे भी अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए पूरा जो है ये जो है किनारे किनारे पेड़ लगा हुआ है, और ये वाला जो है
दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला मेरा खेत है, ये वाला देखिए बिल्कुल जो है इधर छांव है बिल्कुल, और बिल्कुल अभी छोटा छोटा जो है अभी पौधा जो है गेहूं का निकला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इधर, अभी बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आगे हुआ। और ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो है, ये जो है छोटा जा नदी है, इसमें जो है पानी आया करता था, तो मैं बहुत जो है पहले स्नान किया करता था इसमें। अब तो ये देखिए बिल्कुल जो है समय के साथ बदलते हुए अब जो है ये बिल्कुल जो है भर गया है, और काफ़ी जो है इसमें भी जो है पेड़ पौधा जो है हो गया है। अब ये मुझे लगता है बाढ़ के समय ही इसमें थोड़ा बहुत पानी आता होगा। चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है ये लगा हुआ। अब ये आ गया मेरे दोस्तों, ये जो है, ये देखिए, ये बिल्कुल जो है आपको शायद देख कर ही पता चल गया होगा, ये जो है बांस का पेड़ है। ये देखिए बहुत लंबे लंबे हैं बांस का पेड़। आप लोग के उधर क्या कहते हैं इस पेड़ को, ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इधर बांस का पेड़ बोलते हैं, तो बांस बोलते हैं। इसका यूज जो है बहुत अच्छा होता है, जो है बहुत सारा चीज़ बनाने के लिए यूज होता है, घर में यूज होता है इसका, और इसे पत्ते को जो है खाया भी जाता है, जानवर खाते हैं। और ये बिल्कुल जो है बांस का पेड़ है, ये बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं ये, इनका भी मैं जो है बहुत घर में जो है यूज किया हुआ हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इनको काट के जो है यूज कर लेता हूँ, और कोई आता भी है तो लेके चला जाता है। पूछ लेते हैं और पूछ के जो है काट के जो है वो ले जाते हैं, अगर कोई कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी के घर में अगर शादी होती है, अगर बोलते हैं कि मुझे बांस की ज़रूरत होती है, तो वो जो है उनको दे देते हैं, वो जो है लेके काट के अपना लेके चले जाते हैं। तो ये भी देखिए दोस्तों जो है बहुत लंबा पेड़ है ये, बहुत बड़ा इसमें जो है लगा हुआ है। और चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें जो है और पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए बांस का जो है, ये सब पूरा जो है काफ़ी सारा बांस जो है इसमें लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक देखिए काफ़ी है दोस्तों ये बांस का पेड़, बिल्कुल जो है हरा भरा है। इधर देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ से वहाँ तक जो है बिल्कुल पेड़ ही पेड़ है ये। ये देखिए बिल्कुल जो है इधर सिर्फ यही पेड़ ही है इधर, और काफ़ी इधर खेत है ये दोस्तों इधर देखिए बिल्कुल जो है पेड़ है ये, और इधर सामने जो है बिल्कुल जो है पूरा ये खाली मैदान है। इधर जो है सब में फसल लगा हुआ है, अभी धान की कटाई होने के बाद जुताई करके जो है सबको ये आदमी जो है इसमें खेत खेत में जो अपना फसल लगाए हुए हैं। कुछ लोग देखिए खेतों में जो है अभी काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये भी जो है बचपन में हम लोग जो है ये कुआं है छोटा सा, जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो जो है हम लोग जो है इससे जो है पानी निकालते थे मोटर से। और ये जो है अभी देखिए ये भी कुआं जो है बहुत दिन के बाद आया हूँ देखने के लिए, तो इसमें काफ़ी देखिए पानी भरा हुआ है इसमें, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा बहुत दिन के बाद मैं देखा था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और इसका यूज जो है हम लोग करते हैं खेतों में पानी देने के लिए, अगर कम हो जाती है तो। दोस्तों देखिए इस जगह जो आया हूँ, पहले यहाँ पे बहुत लंबे लंबे जो है जामुन का पेड़ हुआ करता था, जिस पे हम लोग जो है बहुत मस्ती करते थे और जामुन खाते थे। अभी देखिए जो है ये बहुत दिन के बाद आया हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी इतने बड़े बड़े जो है आम का पेड़ लगे हुए हैं, और अभी तो जामुन का पेड़ तो नहीं है, अब वो काट दिया गया है, और वहाँ पे जो है ये देखिए आम का पेड़ लगा हुआ है बहुत सारा इस खेतों में, और अमरूद का भी पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे,
काफ़ी सारे देखिए जो है यहाँ पे देखिए केला का भी पेड़ लगा हुआ है। पहले इस समय ये सब काफ़ी पेड़ नहीं था, सिर्फ जो है दो पेड़ जो है बहुत मोटे मोटे जामुन का जो है हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये पेड़ हट गया है, जामुन का पेड़ नहीं है, वो कट गया है और जो है उसके जगह पे जो है आम का पेड़, केला का, अमरूद का जो है बहुत सारा पेड़ लगाया गया है। ये देखिए जो है इतना परिवर्तन हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे गांव में। हम लोग पहले खूब आते थे यहाँ पे जो है, इस जगह पे बिल्कुल जो है घूमा हुआ हूँ। चलते हैं अब दूसरी तरफ, एक खेत मेरा और दूर में है यहाँ से, अब किस तरफ से जाना होगा हमको। चलिए आगे देखते हैं रास्ता किस तरफ से है। चलिए मुझे भी अभी घूम घूम के जाना पड़ रहा है। पहले ये समय इतनी जो है पेड़ पौधा झाड़ी वगैरह नहीं था, लेकिन अभी जो है बहुत झाड़ी हो गया है इधर, तो इसलिए थोड़ा सा हमको जो है घूम घूम के जाना पड़ रहा है। देखिए इस सब में भी जो है काफ़ी पेड़ नहीं था, बिल्कुल साफ था, और अभी देखिए जो है कितने बड़े पेड़ पेड़ हो गए हैं। ये है तार का पेड़ है हम लोग बोलते हैं, और ये वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं ये खजूर का है, ये वाला पेड़। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या हम लोग जो है देखते हैं। काफ़ी देखिए जो है इधर लंबा जगह है। ये वाला पेड़ देख रहे हैं आप, ये वाला पेड़ बचपन से अभी तक ये पड़ा हुआ है, ये आम का पेड़ है। ये इस पे मैं चढ़ के पहले कभी आम तोड़ते थे और खूब खाते थे। अब यही वाला पेड़ देखिए दोस्तों, बहुत दिन के बाद आया हूँ तो ये वाला पेड़ अभी तक बिल्कुल जस का तस है, जैसे काफ़ी बड़ा हो गया है ये पेड़। पहले बहुत छोटा था, लेकिन अभी ये जो है डबल तीन गुना हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है पेड़। तो ये वाला पेड़ दोस्तों देखिए, ये वाला पेड़ जो है हम लोग जो है चढ़ के बहुत आम तोड़ते थे और खाते थे। अब यहाँ पे आ गया हूँ, ये दूसरा वाला खेत जो है घूमने के लिए, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला दोस्तों पहले खेत में ये समय जो है गन्ना हुआ करता था, अभी जिस पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी देखिए ये जो है खेत जो है बिल्कुल क्या हो गया है, पूरा जो है अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल खाली जो है हो गया है ये। और इधर जो है देखता हूँ दोस्तों, इधर नदी है यहाँ पे बगल में जो है, यहाँ पे देखिए काफ़ी नदी है। पहले हम लोग जब आए आया करते थे, नदी जो है काफ़ी गहरी हुई करती थी, और अभी भी दोस्तों देखिए गहरी है, लेकिन बीच में जो है ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बालू था, लेकिन अभी बालू नहीं है, बिल्कुल मिट्टी भर गया है। इधर ऊपर में बहुत खर हो गया है, इसमें जो है बहुत सारा जो है पेड़ पौधा जंगली हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल जो है नदी है दोस्तों, ये देखिए सामने जो है थोड़ा इधर पानी भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल इधर किनारे हो गया है काफ़ी, बिल्कुल देखिए जो है कितना मस्त जगह बिल्कुल है ये घूमने के लिए। देखिए बहुत दिनों के बाद इधर आया हूँ दोस्तों, तो ये देखिए कैसा नज़ारा है बिल्कुल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो है कि लोकेशन कैसा रहा ये घूमने के लिए। बिल्कुल जो है इस तरह का जो है लोकेशन मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए काफ़ी लंबे लंबे पेड़ जो है दिख रहा है, बिल्कुल काफ़ी ऊंचाइयों वाला पेड़ है ये, बहुत लंबा पेड़ है ये। देखिए जो है काफी चीजें हैं, पहले दोस्तों इतना बड़ा बड़ा तो पेड़ नहीं था, लेकिन अभी देखिए काफी परिवर्तन हो गया है, काफी पेड़ हो गया है। और वहाँ पे शायद देखिए मशीन से कुछ वर्क हो रहा है, वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, शायद खुदाई वगैरह कर रहे हैं वो लोग।
और देखिए इधर भी, ये सब में पहले जो है बचपन में बहुत गंदा हुआ करता था इधर, लेकिन अभी जो ज़मीन जो है बिल्कुल देखिए बिल्कुल जो है बंजर हो गई है इसमें, बिल्कुल जो है देखिए क्या पौधा लगा हुआ है। ये सब रास्ता बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी जो है ये सब रास्ता देखिए बन गया है, ये सब आने जाने लोगों के लिए सुविधा के लिए जो है लोगों ने ये सब बना दिया गया है। पहले ये जो है ये वाला रास्ता इधर से नहीं था, लेकिन अभी जो है लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ये जो है बनाया हुआ है। और ये भी देखिए पेड़ दोस्तों इधर नहीं था, और ये वाला पेड़ हम लोग दोस्तों बोलते हैं जलेबी का पेड़ बोलते हैं, गोल गोल होता है, बहुत अच्छा लगता है, ये गर्मियों के दिन में होता है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो है पूरा आते थे अपना पूरा पलटन के साथ में और खूब जो है इधर मस्ती करते थे और जो है खूब जो है खाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी देखिए जो है ये पेड़ जो है काफ़ी बड़ा मोटा हो गया है, देखिए जो है काफ़ी परिवर्तन हो गया है पहले से। ये बिल्कुल मैं नदी के किनारे आ गया हूँ, ये देखिए काफ़ी नदी है, बड़ी नदी है, लंबी है, ये देखते हैं इसमें पानी देखिए बिल्कुल जो है ये बिल्कुल चल रही है पानी, चलिए देखते हैं। देखिए पानी दोस्तों बिल्कुल जो है चल रही है, बिल्कुल नदी के इस तरफ आ गया हूँ, ये देखिए कितनी नज़ारा, बहुत मस्त नज़ारा है ये इधर का। और बिल्कुल जो है देखिए पूरा लोकेशन जो है इधर का कैसा लोकेशन है ये, चारों तरफ का जो है ये नज़ारा है देख सकते हैं आप। ये पानी की आवाज़ जो है बिल्कुल मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है, देखिए ये जो है सर्दियों के मौसम में भी इस नदी में जो है पानी कंटिन्यूअस जो है इसमें चल रहा है। ये देखिए दोस्तों जो है बिल्कुल जो है पानी जो है चल रही है, देखिए कितना मस्त नज़ारा है ये। काफ़ी मात्रा में पानी जो है जा रही है, बिल्कुल ठंडा पानी है ये, बिल्कुल साफ पानी है देख सकते हैं बिल्कुल जो है। तो ये वाला देखिए जो है ये पेड़ जो है ये सॉरी ये जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है ये पहले नहीं था, लेकिन अब जो है ये बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ ये जो है इसमें आ गया है ये लाइट के लिए। ये जो है पहले जो है इतने पेड़ जो नहीं थे, लेकिन अभी जो ये पेड़ हो गए हैं, अभी बहुत कुछ अभी दिखाना बाकी है। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट टू में हम, और फिर डिटेल में देंगे और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें बची हुई है सारे डिटेल में आगे बताऊंगा, तो बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा रहा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।